أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم This is Azan and you are watching Smart Study In this channel you are going to know about how to teach your child English in phonetical way means आप अपने बच्चों को easy way में English कैसे सिखा सकते हैं देखिए इंग्लिश कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल लैंग्वेज नहीं है जितना हम उसको बना देते हैं स्पेशली अपने किड्स के लिए अपने बच्चों के लिए सो एक्चुअली इंग्लिश सीखने के दो तरीके हैं नंबर वन इज बाय साइट एंड नंबर टू इज फोनेटिकल वे अगर हम अपने बच्चे को बाय साइट इंग्लिश सिखाते हैं मींस अगर बच्चे ने बाय साइट इंग्लिश सीखी है तो वो कोई भी लेटर आप उसको देंगे तो वो उसको उसकी स्पेलिंग को मेमोराइज करेगा मींस अगर मैंने उसको कहा एप्पल लिखिए बहुत कॉमन सा वर्ड है एप्पल लिखिए तो वो ऐसे एप्पल जज नहीं कर पाएगा ऐसे एप्पल की स्पेल को लिख नहीं पाएगा ना इसको रीड कर पाएगा जब तक इसकी स्पेलिंग को मेमोराइज ना कर ले इसकी स्पेलिंग को ना याद ना कर ले वो आपको इसको स्पेलिंग याद करवानी पड़ेगी देन वो आपको रिटर्न में एप्पल लिख कर दिखाएगा फॉर इसके अलावा कोई भी एक आप वर्ड देंगे लाइक एप्रिकॉट दीजिए एप्रिकॉट लिखिए या इसके अलावा बिग लिखिए तो बहुत ही कॉमन सा वर्ड है बिग लिखिए लेकिन जब तक वो इस वर्ड को इसकी स्पेलिंग को मेमोराइज नहीं कर लेता याद नहीं कर लेता वो ये वर्ड नहीं लिख पाएगा सो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं एक छोटा सा बच्चा छोटी सी एज में कितने वर्ड्स की स्पेलिंग्स को मेमोराइज करेगा कितने वर्ड्स को याद करेगा यही एक वजह है कि बच्चे जो है वो डिक्टेशन रीडिंग करने में बहुत पीछे रह जाते हैं और नहीं लिख पाते क्योंकि उनको बाय साइट इंग्लिश सिखाई जाती है बट इन अदर हैंड अगर बच्चों को फोनिक वे में इंग्लिश सिखाई जाएगी फोनिक वे मीन्स लेट मी एक्सप्लेन यू कि फोनिक एक्चुअल में है क्या देखिए फोनिक्स एक ऐसा तरीका है इंग्लिश सिखाने का जिसके जरिए आप बच्चों को लेटर्स के नेम्स पढ़ाने के बजाय लेटर्स के साउंड्स पढ़ाते हैं मींस ए बी सी डी पढ़ाने के बजाय आप ए ब ख ड पढ़ाते हैं लेटर्स के नेम्स पढ़ाने के बजाय लेटर्स के साउंड्स पे फोकस करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम फोनिक्स बच्चों को सिखाते हैं लेटर्स के नेम्स पढ़ाने के बजाय लेटर्स के साउंड्स पढ़ाते हैं स्टार्टिंग से ही तो बच्चा बहुत इजी वे में गेट कर पाता है और उसको जो आप लेटर जो आप वर्ड कहेंगे वो आपको लिखकर दिखाएगा विदाउट मेमोराइजिंग मतलब याद करे बगैर आपको लिखकर दिखाएगा फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ कि लाइक मैंने एक वर्ड लिखा बी आई जी अगर मेरे बच्चे ने बाय साइट इंग्लिश पढ़ी है मींस मैंने इसको लेटर्स के नेम्स पढ़ाए हैं बी आई जी मैंने उसको पढ़ाया है बिलीव मी वो इसको ब्लेंड नहीं कर पाएगा इसको कंबाइन नहीं कर पाएगा इवन के वो इसको याद ना कर ले जब तक आप उसको इसको मेमोराइज नहीं करवा देंगे वो इस वर्ड को पढ़ नहीं पाएगा बी आई जी ही कहेगा फिर आप उसको बताइए बी आई जी बिग होता है या फिर कैट होता है सी ए टी कैट होता है अब कैट में तो सी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो सेट नहीं होना चाहिए बच्चे अक्सर ये क्वेश्चन कर लेते हैं कि पढ़ाया तो आपने सी है और आप कैट के बजाय सेट के बजाय कैट कह रहे हैं तो अगर हम बच्चे को फोनिक्स वे में पढ़ाते हैं लेटर्स के साउंड्स पढ़वाते हैं तो वो ईजी तरीके से पढ़ पाएगा और आपको वर्ड मेमोराइज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो उसका जो स्टार्टिंग दौर है मींस अपर किंडरगार्टन एंड लोअर किंडरगार्टन वो इजी वे में उसको पढ़ पाएगा और उसका दिल लगेगा उसके अंदर ना पढ़ने में क्योंकि उसको पढ़ना आने लग जाएगा उसको रटना नहीं पड़ेगा उसको याद नहीं करना पड़ेगा कोई भी चीज़ समझ के की जाए तो वो ज़्यादा अच्छी होती है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने बिग की जगह बी आई जी की जगह मैंने अपने बच्चे को ब ई ग पढ़ाया
अब आप इसको ब्लेंड करवाइए, बिग, बिग। ये आप थोड़ी सी प्रैक्टिस से बच्चा बहुत आसानी से कोई भी वर्ड लिख पाएगा। लाइक मैंने मैट लिखा, ट। अगर मेरे बच्चे ने बाय साइट इंग्लिश सीखी है, मतलब लेटर्स के नेम्स सीखे हैं, तो वो इसको पढ़ेगा MAT, MAT। अब जब तक आप उसको बताएंगे नहीं MAT मैट होता है, इसकी स्पेलिंग को आप याद करिए, तब तक उसको ये वर्ड लिखना नहीं आएगा। लेकिन इन अदर हैंड अगर आप फोनिक्स वे में इसको पढ़ाते हैं, लेटर्स के साउंड्स पढ़ाते हैं, तो वो पढ़ेगा एट, मैट, मैट। वो खुद इसके साउंड प्रोड्यूस करेगा, देन इसको ब्लेंड करेगा और आपको इजी वे में पढ़ के बताएगा। सो दिस इज कॉल्ड फोनिक्स। और बहुत सारे तरीके हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको फोनिक्स पढ़ानी ही चाहिए, वरना बच्चों को आगे जाके डिफ़िकल्टी पेश आती है और वो सिर्फ याद ही कर सकते हैं, उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, कभी एक लेटर जो है वो सिंगल साउंड करता है, सिंगल साउंड करता है, मींस ये एस है, इसका नेम एस है और इसका सेम एस है और इसका साउंड जो है वो स है, ये सिंगल साउंड करेगा। सन, स्नेक, इस तरह का आप इससे एक लेटर एक साउंड करेगा। बट इन अदर हैंड कभी कभी एक लेटर दो साउंड प्रोड्यूस करता है, एक हार्ड साउंड एंड एक सॉफ्ट साउंड। जी का साउंड कभी आप ग यूज करते हैं, कभी आप जी यूज करते हैं। ग, गिफ्ट, राइट, एंड जी, जिराफ। एंड कभी एक ही लेटर, कभी दो लेटर्स जो है वो एक साउंड प्रोड्यूस कर, लाइक सी एच को कंबाइन करते हैं हम तो चेन एंड चेयर, च, च, दो लेटर्स एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मींस कभी एक लेटर एक साउंड प्रोड्यूस करता है, कभी एक लेटर दो साउंड प्रोड्यूस करता है, और कभी दो लेटर्स जो है वो सेम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कन्फ्यूजन भी बच्चों की दूर करते हैं। लाइक कभी एक लेटर, जैसे ये है सी, आपने देखा होगा, कभी हम सी जो है वो, इसका नेम सी है एंड इसका साउंड जो है वो ख साउंड है, तो कभी सी जो है वो खैट साउंड प्रोड्यूस करेगा, ख साउंड प्रोड्यूस करेगा, ख, एंड कभी ख साउंड जो है वो सी साउंड प्रोड्यूस करेगा, सी वाय सी ई, साइकिल, साइकिल, राइट। और कभी एक ही लेटर के अंदर, एक ही वर्ड के अंदर सी अपने दोनों साउंड प्रोड्यूस करता है, मींस स्पेसिफिक, देखिए स्पेसिफिक, फिक, यहां पे इसका साउंड जो है वो ख आ रहा है और यहां पे इसका साउंड सी आ रहा है, स्पेसिफिक, राइट। तो ये कंफ्यूजन भी बच्चों की दूर करनी चाहिए और ये इतना इजी मेथड है, देखिए रटने से ज्यादा अच्छा है बच्चे को समझ में आए। अगर आप उसको एक दफा समझा देंगे तो बिलीव मी वो इतनी इजी वे में पढ़ेगा और आपको कोई डिफिकल्टी पेश नहीं आएगी। वो अच्छा रीडर बनेगा, रीडर बनेगा तो वो अच्छा राइटर भी बन जाएगा, और उसको जब समझ आ जाएगा तो वो कोई भी लेटर आराम से लिख पाएगा। सो इस चैनल पे आपको यही चीज़ सीखने के लिए मिलेगी, आप अपने छोटे बच्चों को कैसे हैं बेसिक सिखा सकते हैं, और बेसिक अगर स्ट्रांग होगी तो आगे जाके सब कुछ खुद ही ईजी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। देन उसके बाद ग्रामर की तरफ आएंगे। सो अगर आपको मेरी बात समझ आई हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, ये जो पढ़ाने की मैंने आपको बात कही है, बीइंग अ पेरेंट यू शुड हैव टू कॉन्सेंट्रेट योर चाइल्ड स्टडीज। देखिए आप उसके पेरेंट हैं, ना कि उसकी टीचर, ना कि उसका हेडमास्टर, ना कि उसकी ट्यूशन टीचर, यू हैव टू कंसर्न। आपको
कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने बच्चे को आसान तरीका कैसे दे सकते हैं। और छोटे बच्चों के लिए मुझे लगता है, ऐसा इट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू, कि मदर से अच्छा टीचर कोई नहीं हो सकता। तो जो पेरेंट्स कर सकते हैं वो कोई ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकता। अपने बच्चों को टाइम दीजिए और इस तरीके से इजीनेस उनको दीजिए ताकि उनका दिल लगे पढ़ने में और एक वो अच्छे रीडर बने और अच्छे राइटर बने। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड मेरी आगे अगर वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो चैनल पे बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको आगे भी सब समझ में आए। वर्कशीट्स आप DIY बनाकर फ्लैश कार्ड्स के ज़रिए आप बच्चों को आसानी से बता सकते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी।